शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस आपदा के समय में अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आजादी के संघर्ष में देश के हित में अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम है मास्टर अमीर चंद का। तो बच्चों, आज हम जानेंगे मास्टर अमीर चंद के बारे में कि उन्होंने अपने देश के हित के लिए क्या क्या किया और कैसे अपनी जान भी देश पर न्यौछावर कर दी। ये तस्वीर है मास्टर अमीर चंद की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अमीर चंद कहें या कि मास्टर अमीर चंद, इनका जन्म 1869 में दिल्ली के एक वैश्य परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 मई 1915 में हुई। मास्टर अमीर चंद ने गदर पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लिया। आप जानते हैं कि गदर पार्टी के कार्यक्रम किस तरह के होते थे? जो गदर पार्टी के कार्यक्रम थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने में विश्वास करते थे, यानी कि सारे कार्यक्रमों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की बातें होती थी या लड़ाई के काम होते थे। तो पूरे भारत में उन्होंने क्रांतिकारी कार्यों का संयोजन किया था और ऐसे ही एक कार्य में उन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और इस बम फेंकने के षड्यंत्र में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में भेज दिया। आप जानते हैं बच्चों कि अमीर चंद व्यवसाय से एक अध्यापक थे। उनके मन में देशभक्ति की मान्यता इतनी प्रबल थी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान हैदराबाद के बाजार में उन्होंने स्वदेशी स्टोर खोला था और उस स्वदेशी स्टोर में वो देशभक्तों की तस्वीरें तथा क्रांतिकारी साहित्य बेचते थे। 1919 में उन्होंने दिल्ली में भी ऐसी ही स्वदेशी प्रदर्शनी लगाई थी। ये है मास्टर अमीर चंद जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। मास्टर अमीर चंद भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी और वसंत विश्वास पर षड्यंत्र का केस चला और अंत में इन राष्ट्रभक्तों को 8 मई 1915 को फांसी की सजा दी गई और इस तरह उन्होंने देश के हित में अपनी जान दे दी। प्यारे बच्चों, हमें इन स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से यही सीख मिलती है कि अपने देश से बड़ा कुछ भी नहीं और हमें हमेशा अपने देश के हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए।